एक और सुहाना दिन। चलिए देखते हैं बब्लू डब्लू पार्क में बच्चे क्या कर रहे हैं। कितनी आवाजें आ रही हैं? नींद कैसे आएगी? हे मिस्टर बंता, आप क्या देख रहे हो? ओ राजकुमार लल्लू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होने वाली है। बारिश होगी? मिस्टर बंता, मुझे तो कोई पक्षी या चींटियां घर जाते दिखाई नहीं दे रहे। राजकुमार लल्लू, तुम्हें कल बताऊंगा कि मुझे कैसे पता चला। तुम्हारी क्लास शुरू होने का वक्त हो गया, चलो क्लास में जाओ। बाद में मिलते हैं मिस्टर बंता। पानी के तालाब बन गए, इसका मतलब सच में बारिश हुई थी। मिस्टर बंता कमाल है। काश मैं हे मिस्टर बंता, क्या लगता है कल मौसम कैसा होगा? तुमने कल कहा? चलो चल कर देखते हैं। कल मौसम साफ रहेगा, समझे? पर आपको कैसे पता है? मुझे भी बताओ ना। ठीक है। मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन सिर्फ एक बार। मेरी बात ध्यान से सुनना। बहुत बढ़िया राजकुमार। देखो, हमें देखना होगा कि बारिश के बादल हैं या नहीं। ये पहला कदम है। हवा को सूंघने से ये पता चलता है कि हवा में गीलापन है कि नहीं। अगर ऐसा है तो बारिश होगी। चलो अब अपनी उंगली को गीला करो। इस तरह से अब कोशिश करो। हवा चल रही है, मुझे महसूस हो रही है। हाँ बच्चे, बिल्कुल सही समझे तुम। इस तरह हम समझ जाते हैं कि हवा इस दिशा में बह रही है। उस पौधे को ध्यान से देखो, बारिश हमेशा हवा की दिशा में ही बरसती है। अगर हवा नहीं बह रही है तो हो सकता है बारिश ना हो।
मिस्टर बंता नहीं है। लगता है मुझे ही मौसम का अनुमान लगाना होगा। चलो देखते हैं। पहले आसमान में देखो, बादल नहीं है। और फिर हवा, और हवा में नमी नहीं है। कल धूप खिली रहेगी, हम पिकनिक जा सकते हैं, मजा आएगा। मैं ये खुशखबरी दे देता हूँ, देखो उन बादलों को, मुझे लग रहा है कि बारिश होने वाली है। तुम सही कह रही हो, पर ये लल्लू कहाँ है? देखते हैं उसका क्या कहना है। वो देखो वहाँ है। हे दोस्तों, राजकुमार क्या खबर लाए हो? यार मैं थक गया हूँ। राजकुमार लल्लू बताओ, क्या बारिश होने वाली है? देखो मेरे अंदाजे से आज धूप खिली रहेगी, मैंने सब ठीक से पता कर लिया है, तो फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं। चलो पिकनिक चलते हैं। ये क्या? राजकुमार लल्लू, तुमने तो कहा था बारिश नहीं होगी, पर देखो। ओह पिकनिक खत्म हो गए। चलो घर चलें दोस्तों। ये अजीब है, मेरे नोट्स के हिसाब से बादल नहीं, हवा भी नहीं, बारिश कैसे हो सकती है? मुझे देखने दो। वाह राजकुमार लल्लू, ये तो गजब है, तुम मिस्टर बंता से कितना कुछ सीख रहे हो। ये सच है, मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है। इसीलिए कहता हूँ तुम महान हो। लेकिन लल्लू तुम्हारा अनुमान गलत हो गया। समझ नहीं आता मेरा अनुमान गलत कैसे हो गया। हाँ देखो दोस्तों कौन आ रहा है। वो मिस्टर बंता है। मिस्टर बंता। अरे बच्चों ये बताओ मुझे, तुम सब इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? हम पिकनिक पर जाना चाहते थे लेकिन मेरा अनुमान आज गलत हो गया। मैं आया था आपके पास बात करने के लिए, पर आप घर पर नहीं थे, आप बाहर भी नहीं मिले। ये बात है, मैं समझ गया। बताओ तुमने कैसे पता किया? मैंने देखा दोपहर में बादल नहीं थे और हवा भी नहीं चल रही थी, हवा में नमी भी नहीं थी। ओह अच्छा ऐसा है। राजकुमार लल्लू तुमने गलत अंदाजा नहीं लगाया, ये सारे संकेत इस बात के हैं कि आज मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। तो फिर बारिश क्यों हो रही है? वो इसलिए क्योंकि तुमने दोपहर को अंदाजा लगाया था। दोपहर में? दोपहर को जो तुमने अंदाजा लगाया था वो शायद बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मौसम कभी भी बदल सकता है, हमारी प्रकृति रहस्यों से भरी हुई है और इसमें बहुत से बदलाव होते रहते हैं। हो सकता है सुबह हवा न बह रही हो, लेकिन हो सकता है कि दोपहर के बाद मौसम पूरी तरह बदल जाए। कभी कभी मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, फिक्र मत करो प्यारे बच्चे। मिस्टर बंता, तो हम मौसम का अनुमान क्यों लगाते हैं? मौसम का अनुमान हमेशा सही नहीं हो सकता, सही अनुमान लगाने के लिए हमें और कड़ी मेहनत करते रहनी होगी। मौसम के बारे में और ज्यादा पढ़कर और प्रकृति को जानकर ही हम मौसम के बारे में एकदम सही सही अनुमान लगा सकते हैं। मिस्टर बंता अब मुझे समझ आ गया, मैं ज्यादा अभ्यास करूंगा ताकि और अच्छा हो सकूं। मैं भी। ओ? देखो बारिश रुक गई, अब हम पिकनिक मना सकते हैं। ये बढ़िया है। सुनो दोस्तों, मौसम कितना गजब का है। ध्यान रखो दोस्तों, अभ्यास करो और बेहतर बनो। फिर मिलते हैं। बाय बाय।
इस हरे भरे खुशहाल जंगल में नया साल आ चुका है, मतलब कुछ मजेदार होने वाला है। तो ठीक है बच्चों, वक्त हो गया है बाहर जाकर खेलने का। तुम सब सैंड पिट के आसपास खेल सकते हो, लेकिन दूर मत जाना। यस सर। ठीक है, मजे करो। मैं रेत का बड़ा सा किला बनाऊंगा जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। हाँ, ये सही है, मैं राजकुमार हूँ तो मेरा महल तुम्हारे महल से बेहतर होना चाहिए। ये लो, तुम्हारा डिनर तैयार हो गया, बैठ जाओ। जरा मैं कुर्सी बना लूं। ये लो, सूप से शुरुआत करो, आराम से, ये गरम है। ये बहुत स्वादिष्ट है। ये पूरा खत्म हो गया। ये तुमने क्या किया? मुझे माफ कर दो। मंगू देखो कितना अच्छा सर्कल बनाया। मुझे नहीं लगता मेरा सर्कल ज्यादा अच्छा है। मैं अभी बुलाती हूँ छोटे को मदद करने के लिए। छोटे! दोस्तों मैं यहाँ पर हूँ। जरा ये देखो। नन्हे दोस्त, ये इधर तो आओ। अरे कहाँ जा रहे हो शैतान? ये कितनी बड़ी गुफा है। ओ तो तुम यहाँ हो चमकू। अरे वाह छोटे, कोच डमरू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, चलो उसे ढूंढते हैं। छोटे 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 वापस आ जाओ। छोटे आ जाओ, मैं तुम्हें अपने शहर में यहाँ हूँ। इस पेड़ के अंदर क्या तुम सब मुझे देख सकते हो? मैं यहाँ अंदर हूँ। पेड़ के अंदर छोटे दोस्तों मैं यही अंदर हूँ। सब लोग यहाँ आओ। छोटे अंदर आ जाओ, ये लाजवाब है। बहुत बढ़िया। चलो अंदर चलते हैं। अरे वाह, देखा ये लाजवाब है ना? अपने राजकुमार का नया ताज देखा तुमने? मुझे छोड़ के मत जाओ। ये ऐसा अद्भुत नजारा तो कभी भी नहीं देखा। ये दोस्तों यहाँ पर आओ, इस जुगनू को देखो। दोस्तों ये चमक क्यों नहीं रहा? क्या तुम्हारी रोशनी में कुछ गड़बड़ है? देखो नन्हे जुगनू, उदास मत हो, हम तुम्हारी रोशनी तुम्हें वापस दिलाएंगे। सच कहा, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, ठीक है? उसे राजकुमार लल्लू की मदद की जरूरत है। कर्तव्य दिखाने का समय आ गया। मेरे पास एक आइडिया है जो जरूर काम करेगा। तुम पीछे हट जाओ। राजकुमार लल्लू रुक जाओ, तुम उसे डरा रहे हो। मुझे लगा अगर मैं से डराऊंगा तो ये कुछ बता देगा। मैं कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि शायद इसकी बैटरी खत्म हो गई है। मुझे लगता है कि मेरे डैड की टॉर्च की तरह काम करता है। चमको 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 तुमने इसे और चमकदार महसूस करवा दिया। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? लगता है इसको नहा
आने की जरूरत है। हो सकता है पूरी तरह साफ हो गए, चमकीला लगे। थोड़ा सा ये, थोड़ा सा। देखो साफ है। मुझे तो लगता है ये रोने वाला है। छोटे ये देखो, क्या इससे चोट लगी है? शायद कुछ डमरू हमारी मदद करे। समझ नहीं आ रहा है, वो बच्चे कहाँ चले गए? कुछ डमरू, कुछ डमरू, कुछ डमरू, कुछ डमरू, कुछ डमरू, देखे ना। सुनो बच्चों, तुम सब कहाँ चले गए थे? मैंने कहा था ना तुम्हें आसपास ही खेलना है। कुछ डमरू, हमें एक नन्ना जुगनू मिला है पर वो चमक नहीं रहा है। एक जुगनू? कुछ डमरू, हम इसकी कैसे मदद करें? हमें इसकी मदद करनी है। बच्चों, क्या तुम लोग जानते हो कि जुगनू चमकते कैसे हैं? पता नहीं। एक जुगनू को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उनके पेट पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे वो ऑक्सीजन लेते हैं। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन वो अंदर लेते हैं उतनी ज्यादा चमकदार रोशनी होती है। मैं भी तो यही बता रहा था। तो इसे ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से इसने अपनी चमक खो दी है। छोटे जरा मुझे देखने दो, शायद मैं इसकी कुछ मदद कर सकूं। ये लीजिए। जुगनुओं को नमी बहुत पसंद होती है और यहाँ इस जगह पे बहुत ज्यादा उमस है। हमें कहीं और चलना चाहिए, क्या कहते हो? ये! हे नन्हे जुगनू, तो तुम उठ गए। ठीक है बच्चों, यही समय है कीड़ों के बारे में अच्छी तरह जानने का। देखते हैं हम इसकी क्या मदद कर सकते हैं। ठीक है, उसे डराओ मत। वो देखो ये हिल रहा है। ओह, वो पानी में गिर गया। वो नहा रहा है। हे नन्हे दोस्त, क्या तुम ठीक हो? देखो वो उड़ रहा है। देखो, हाँ देखो, वो फिर से उड़ रहा है। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये चमक क्यों नहीं रहा है? हिम्मत मत हारना नन्हे दोस्त, हम हैं ना यहाँ पर। हाँ। तुम्हारी मदद के लिए हम हैं। तो उड़ते रहो नन्हे बच्चे और ताजी हवा लेने की कोशिश करो। खुद पर भरोसा रखो, तुम कर सकते हो। हे नन्हे जुगनू, क्या तुम ठीक है? ठीक है, ठीक हो? तुम ठीक हो? ठीक है बच्चों, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। जुगनू ये करके ही रहेगा। अब चलो भी जुगनू, तुम कर सकते हो। बस बहादुर बनो और कोशिश करो। हमें भरोसा है तुम ये कर सकते हो। तुम कर हम सकते सब हो। तुम्हारे साथ हैं। नन्हे दोस्त, उड़ने का वक्त है। देखो जरा, यहाँ तो कोई लाइट नहीं है। ए, ए, ये चमक रहा है, ये चमक रहा है। सच